लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 56 देशों के मुख्य न्यायाधीशों कानूनविदों और प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में मौर्य ने कहा कि ये सम्मेलन लखनऊ के गौरव को वैश्विक स्तर पर प्रकाशित करता है और एकता व शांति का संदेश देता है, जो भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। ये सम्मेलन 24 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित है। सम्मेलन का थीम ए गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर है और ये विश्व एकता, शांति और बच्चों के बेहतर भविष्य को समर्पित है। सम्मेलन की संयोजिका और CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन के नेतृत्व में CMS छात्रों और शिक्षकों ने 56 देशों से आए अतिथियों का फूल और बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। प्रोफेसर किंगडन ने कहा कि सम्मेलन विश्व को एकता के सूत्र में बांधने और बच्चों के भविष्य के लिए एक नई दिशा देने में सफल होगा। 25वां सेमिनार ये संपन्न होने जा रहा है, इसका हिस्सा बनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं गांधी जी को याद करता हूँ कि उन्होंने वह काम किया है जो दुनिया के उस गिने चुने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए होंगे उस श्रेणी के लोगों में है। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है कि यह यात्रा आगे बढ़ते 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 बहुत आगे तक जाएगी।